दोस्तों, अजमेर की कायर विश्राम स्थली में चल रही सेना भर्ती रैली का कल छठा दिन था और कल इसमें कोटा जिले की डिगोर, कानवास, पीपलदा एवं रामगंज मंडी तथा राजसमंद की आमेट, भीम, देवगढ़, गभौर, खमनोर, कुंभलगढ़, नाथद्वारा, रेलमगरा एवं राजसमंद तहसीलों के 4,369 युवाओं ने भर्ती रैली में भाग लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। इनमें से 3,300 युवा ही दौड़ में भाग लेने के लिए पहुँचे, जिसमें से सिर्फ 370 युवा ही आगे की भर्ती प्रक्रिया के लिए क्वालिफाई कर पाए। दोस्तों, आपको बता दें कि गुरुवार को दौड़ और शारीरिक दक्षता एवं दस्तावेज जांच में सफल 320 युवाओं की मेडिकल प्रक्रिया कल कराई गई थी, जिसमें कि सिर्फ 170 युवा ही मेडिकल में फिट घोषित किए गए। शेष युवा मेडिकल जांच का रिव्यू आगामी एक सप्ताह में सैनिक चिकित्सालय जयपुर अथवा कोटा में करवा सकते हैं। मेडिकल में सही पाए गए अभ्यर्थियों की सेना में भर्ती की कार्यवाही आगे बढ़ाई जाएगी। ऐसे ही कल की दौड़ और शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल हुए 370 युवाओं का मेडिकल आज किया जा रहा है। दोस्तों, देखने में आ रहा है कि कुछ युवाओं को मेडिकल में चेकअप के दौरान कानों में सफाई न होने के कारण पॉइंट दिया जा रहा है, क्योंकि कुछ युवाओं के कानों में गंदगी या फिर आंतरिक चोट पाई गई है और इसके पीछे युवाओं की लापरवाही ही है, क्योंकि ज्यादातर युवा अपने कानों और अपने आंतरिक अंगों की सफाई करवा कर नहीं आ रहे हैं। इसलिए हो सके तो भर्ती में आने से एक दो दिन पहले युवा कोई भी डॉक्टर से अपने कानों और शरीर की सफाई करवा ले तो उनको यह परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि आज कोटा और अजमेर जिले की 6 तहसीलों के 4,112 युवा भर्ती रैली में भाग लेंगे। इन्हें आधार कार्ड, प्रवेश पत्र एवं RT-PCR जांच रिपोर्ट के अनुसार कायर विश्राम स्थली में सुबह 2 बजे से प्रवेश दिया जाएगा। आपको बता दें कि कल रविवार को यह सेना भर्ती प्रक्रिया नहीं होगी और अवकाश रहेगा। तो दोस्तों, ऐसी ही अजमेर सेना भर्ती की हर दिन की अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।